शांति, मम्मा की विशेषताएं। मम्मा अर्जुन की तरह एकाग्र थी, नंबर वन में जाने का लक्ष्य रखा। मम्मा हम बच्चों को सदा कहा करती थी कि सदा विचार ऊंचे रखो तो बाप समान बन जाएंगे। सदा बाप को देखो, आप स्वयं को देखो, किसी अन्य को नहीं देखो। बाबा वह ड्रामा पर निश्चय रखो तो कर्मातीत बन जाएंगे। अगली विशेषता है, मम्मा की दृष्टि शक्तिशाली होती थी। एक दिन मम्मा चांदनी रात में बैठकर योग कर रही थी। मैं जाकर उनके सामने बैठी तो मम्मा ने दृष्टि दी और मैं ध्यान में चली गई। ध्यान में देखा कि चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है और उसके बीच में ऑलमाइटी बाबा दिखाई दे रहे हैं। अगली विशेषता, योग कैसे करें यह भी मम्मा ने हमें सिखाया। वे अपने साथ संदली पर बिठाकर हमें योग कराती, हमारी अवस्था को चेक करती थी। कर्मणा सेवा करते समय भी मम्मा अपनी ही स्थिति में रहती थी। मैंने एक बार मम्मा से पूछा कि मम्मा आप अभी गेहूं साफ कर रही है, अभी आपका क्या संकल्प चल रहा है? मम्मा ने कहा हम गेहूं साफ नहीं कर रहे हैं, हम साक्षी दृष्टा होकर कर्मेंद्रियों से साफ करा रहे हैं। मैं नहीं कर रही हूँ, करा रही हूँ। हफ्ते में एक बार हम सुप्रीम पार्टी वाले मम्मा के साथ बैठकर अमृत वेले योग करते थे। जब मम्मा चांदनी में बैठ योग करती थी तो हम भी जाकर एक एक कोने में बैठ योग करते थे। कभी कभी मम्मा को ही अपने ग्रुप में बुलाते थे और मम्मा 3:30 से 4 बजे तक हम सबको योग कराती थी। जब मम्मा के सामने बैठ हम योग करते थे तो हमें ज्ञान चंद्रमा के शीतल प्रकंपनों से शांति नाम का अनुभव होता था। मम्मा अमृत वेले 2 बजे उठकर अकेले में योग करती थी। वह 3:30 बजे तैयार होकर बाहर आती थी। 4 बजे से 5 बजे तक सामूहिक योग होता था, उसमें मम्मा अवश्य आती थी। उसके बाद स्नान आदि नित्य कर्म पूरा करती थी। नाश्ते के बाद 9 बजे प्रातः मुरली क्लास होती थी, उसमें आती थी। उसके बाद एक एक दिन एक एक बहन को संदली पर बिठाकर ज्ञान की कोई ना कोई पॉइंट पर समझाने के लिए कहती थी। इस प्रकार मम्मा सबको भाषण करना, क्लास करना सिखाती थी। उसके बाद सेवा करते थे। दोपहर के भोजन के बाद विश्राम होता था। मम्मा 5 बजे ऑफिस में बैठती थी और यज्ञ वत्सों को टोली खिलाती थी। जब हमें कभी कभी मम्मा से टोली खाने का मन होता था तो हम वहाँ जाकर मम्मा से टोली लेते थे। बाद में मम्मा ऑफिस का कामकाज देखती थी। रात्रि भोजन के बाद मम्मा कचहरी कराती थी। ओम शांति।